बाहर पड़ रही है जोरों की गर्मी, तो गर्मियों में पी जाने वाली गाढ़ी मलाईदार और बहुत ही डिलीशियस बादाम मिल्क शेक की रेसिपी के साथ आज मैं हाजिर हूँ। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, और मैंने ना इसमें किसी कलर का यूज़ किया है और ना ही किसी प्रिजर्वेटिव्स का, तो बच्चों के लिए भी यह बहुत ही हेल्दी है। तो फिर देर क्यों करना, चलिए इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बादाम लिए हैं जिसे मैंने रात भर भिगो कर रखा था। आप चाहे तो 5-6 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं, तब भी यह अच्छी तरह भीग जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इनका छिलका इस तरह से उतार लेना है। तो जितने भी बादाम हैं सबके छिलके इस तरह से उतार लें। तो यहाँ सारे छिलके मैंने उतार कर तैयार कर लिया है, इस तरह से देखिए। अब हमें इसका पेस्ट बनाना है, तो सबसे छोटे वाले ब्लेंडिंग जार में हम इस तरह से सारे बादाम डालेंगे। और साथ ही मैं यहाँ 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ दूध, या नॉर्मल दूध है जिसे मैंने उबाल कर ठंडा कर लिया है। अब हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसका पेस्ट इस तरह से बना लिया है। तो बादाम का यहाँ हमें बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह से हमें उसे हल्का दरदरा ही रखना है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए इस तरह का इसका टेक्स्चर रहना चाहिए। तो चलिए अब इसे साइड करते हैं। और अब यहाँ मैं ले रही हूँ आधी कटोरी दूध, और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर। हमें यहाँ 1 टीस्पून ही कस्टर्ड पाउडर लेना है, इससे अधिक नहीं लेना, वरना यह मिल्क शेक ना बनकर कस्टर्ड ही बन जाएगा। तो बस हमें उसे इस तरह से ठंडे दूध में घोल लेना है। यहाँ मैंने वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है, इस तरह का आप देख सकते हैं। अब दूध का मेजरमेंट हम यहाँ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ एक बाउल में ले रही हूँ 3 कप दूध। तो 3 कप दूध यहाँ लगभग 720 ml का होगा, क्योंकि मेरा यह कप 240 ml का है, तो उस हिसाब से 720 ml यहाँ मैंने दूध लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक मोटे तले का बर्तन लेना है, उसे गैस पर चढ़ाना है। और मैं सबसे पहले उसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच पानी और उसके ऊपर दूध। ऐसा 1 चम्मच पानी मैंने इसलिए डाला ताकि इसे बनाते वक्त दूध नीचे ना चिपके। तो सारे दूध को हमें इस तरह से डाल देना है, उसके बाद हमें इसे स्टर करना है। तो लगातार इस तरह से मिलाते रहेंगे, और किनारे में जो भी दूध लगा हो उसे भी इस तरह से बीच में मिलाते हुए हम इसे चलाते जाएंगे। और हमें इसे लगभग 10% तक रिड्यूस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जो पेस्ट हमने तैयार किया था बादाम का, उसे इसी स्टेज पर हमें डालना है, और उसे दूध के साथ हमें बिल्कुल अच्छी तरह पका लेना है। तो देखिए मैंने इसे इस तरह से डाल दिया यहाँ। अब इसे लगातार मीडियम फ्लेम या फिर लो फ्लेम पर हम लगातार चलाते हुए बादाम को दूध के साथ बिल्कुल अच्छी तरह पका लेंगे। लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं यहाँ डाल रही हूँ जो कस्टर्ड हमने तैयार किया था उसे। अब इसे डालने के बाद फिर इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर अब पकाना है। कस्टर्ड डालने के बाद दूध का टेक्सचर गाढ़ा होने लगेगा, इसलिए हमें अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से मिलाते हुए पकाना है। और अब लगभग 5 से 7 मिनट और हो चुके हैं, और मैं इसमें डाल रही हूँ अब लगभग 2 टेबलस्पून चीनी। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर से हमें इसे मिलाते हुए चलाना है, और फिर हमें इसे लगभग और 2 से 3 मिनट तक इस तरह से चला लेना है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे। यह टोटली ऑप्शनल है, मगर इसे डालने से हमारे बादाम शेक का कलर और टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। तो उसे इस तरह से मिला लेंगे, और अब हमें इसे लो फ्लेम पर और लगभग 5 से 7 मिनट तक बिल्कुल गाढ़ा होने तक इसे पका लेना है। तो लगभग अब हमारा बादाम मिल्क शेक यहाँ बनकर तैयार है। देखिए इस कलछी में मैं जब उसे ले रही हूँ, तो इसके बैक में इस तरह से इसकी एक परत बन जा रही है। तो यह इंडिकेशन है कि हमारा बादाम मिल्क शेक यहाँ बनकर अब तैयार है। अब इस स्टेज पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद यह और भी अधिक गाढ़ी हो जाएगी। अब गैस से उतार कर मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बाउल में। अब हमें इसे लगभग 5 से 6 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। आप चाहें तो इसे बाहर भी ठंडा कर सकते हैं, मगर मैं इसे बिल्कुल बाज़ार वाला लुक देना चाह रही हूँ, इसीलिए मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर रही हूँ 5 घंटे के लिए। आप इसे फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं।
तो 5 घंटे हो चुके हैं और देखिए इसके ऊपर इसकी एक बहुत ही एकदम क्रीमी सी, बहुत ही गाढ़ी सी इसकी एक परत बिछ गई है जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है। तो इसे इस तरह से हम मिला लेंगे। बादाम शेक के ऊपर जो गाढ़ी मलाई जमी है उसे इस तरह लगातार जलाते हुए हम पूरे बादाम शेक में मिला लेंगे। और अब आप इसका टेक्सचर देखिए, यह कितनी बढ़िया लग रही है, देखिए बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी क्रीमी। तो आइए अब हम इसे सर्व करते हैं। दूध, बादाम, केसर, इन सब के फ़ायदों से तो आप वाकिफ़ हैं ही, तो इसे आप अपने पूरे घर के लिए ज़रूर बनाएं। इसे मैं ऊपर से बादाम से गार्निश कर रही हूँ, आप इसके जगह पे पिस्ता, काजू या फिर टूटी फ्रूटी से भी आप इसे गार्निश कर सकते हैं, वह भी देखने में बहुत सुंदर लगती है। और इसे ऊपर से थोड़े से और मैं केसर के धागे इसके ऊपर डाल रही हूँ। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही डिलीशियस, गाढ़ी मलाईदार और बहुत ही हेल्दी। अभी के सिचुएशन में हमें सबसे अधिक हेल्दी खाने की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से भी यह बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए यह कितनी गाढ़ी और मलाईदार बनी है। तो आप अपने पूरे परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं। और यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलती हूँ फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।